ये रेनू का उसका कम उम्र में शादी हो गया, वो अभी मेरे साथ ही पढ़ रही है। अब उसके पापा को वो कर क्यों दिए, उसको पढ़ने देते हैं। अभी हम मेरे साथ ही पढ़ रही है, अभी भी 8 में है, हम भी 8 में हैं। उसका क्या तो सोचे कि हम अपना लड़के का शादी कर देंगे कम उम्र में, पैसा कम खर्चा होगा थोड़ा और बढ़िया। मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं मध्य विद्यालय घरहुआ में पढ़ती हूँ, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। पापा हमको मसौढ़ी ट्यूशन जाना है। मसौढ़ी ट्यूशन जाना है, साइकिल खरीदेंगे तब ना, अभी तो पैसे है नहीं, पैसा हो जाएगा तो खरीद देंगे। तो कब तक? अब यही 10-15 दिन के बाद। ये 9th के कॉपी किताब के लिए पैसा? हाँ वो तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, जब चाहेगा जब किताब कॉपी के लिए मिल जाएगा, मगर साइकिल वाला में थोड़ा अभी प्रॉब्लम है, लेकिन पैसे तो अभी है नहीं। अच्छा, तो हम मैट्रिक पास करके कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। वो बढ़िया बात है, हम तो चाह रहे हैं कि सीख लो कुछ, कि आगे मुखे हमारा ही नाम होगा ऊँचा। पापा ने कि लड़कियों को ये ऑफिस जाने, लड़कियों को ऑफिस क्यों नहीं जाया जाता है, और ये लड़कियों को लड़कों से कम मौका भी मिलता है, ये सब क्यों होता है? वो तो पढ़ाई पर निर्भर करता है, जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है वो तो जाता ही है, उसको तो रोक नहीं है। और कितना परिवार में ये है जो अनपढ़ जो लोग होते हैं शिक्षा में, मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा पढ़ूँ, लेकिन बीए तक ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। हम तो चाहते हैं कि पढ़े खूब, जितना पढ़े हमारा ही नाम होगा, सही ढंग से चलाएगा ना। एक तो हम लोग पढ़ के ऐसे ही कर रहे हैं, मगर सोच रहे हैं किसी तरह से बाल बच्चों को पढ़ा कर आगे मुख्य विकास का रास्ता दिखाएं। घर का हाल देख ही रहे हैं, टूटा फूटा एकदम है, रहने लायक सही से कोई जगह भी नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है, बाल बच्चे है उसी में तो खर्च हो रहा है। घर के काम तो अभी नज़दीक में रहती है तो करवे करती है कुछ कुछ, अगर नहीं रहेगी तो फिर हम ही लोग के ज़्यादा करना पड़ेगा काम, और का उसका भी माने वो भी काम करती है जो खुद हम ही को करना पड़ेगा। नहीं इसलिए कोई दुख ना है, पढ़े अपना काम ना करेगी तो उससे कुछ हर्जा ना है, हम लोग अपना काम कर लेंगे, अपना खुद मन लगा के तो कम से कम पढ़ ही नहीं। पूजा अभी तो यहीं स्कूल में घरवा स्कूल में पढ़ती है, उसके बाद मसौढ़ी कॉलेज में पढ़ने ना, दो कोस के दूरी है तो साइकिल से अपना पढ़ने जाएगी आवेगी, और अभी बोला कि हम बीए तक स्कूल हम पढ़ेंगे। जी नहीं, पहले तो भय रहता था कि मसौढ़ी पढ़ने के लिए कोई नहीं जाते थे लड़के, अब तो बहुत से सारे लड़की जाते हैं पढ़ने के लिए मसौढ़ी, कम से कम 8-10 लड़की जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं साइकिल से, तो इसलिए साथ में जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। आप मेरा सही उम्र पर शादी कीजिएगा या कम उम्र में शादी कीजिएगा? लोग यही सोचते हैं कि कम उम्र में शादी करेंगे तो बढ़िया घर मिलेगा, बढ़िया परिवार मिल जाएगा, बढ़िया लड़का मिलेगा, यही से तीन शादी कर देते हैं कम ही उम्र में। मेरे विचार में ये सब तो गलत है, हमको लगता है कि उनका उम्र हो जाए शादी, जैसे कि लड़कियों को 18 वर्ष और लड़कों 21 वर्ष में शादी होता है, तो हमको लगता है कि वही ऐसे लड़का लड़की दोनों भी तैयार हो जाएंगे शादी के लिए तो ज़्यादा ना अच्छा रहता है, और ये उनका छोटे उम्र में शादी हो जाता है, ये तो गलत बात है। कम उम्र में शादी होने लगी ठीक तो ना रहा है, अभी वो अभी तो पढ़ते ही हैं तो पढ़ले में तब ना शादी होता है, अभी ना शादी होता। उस समय मेरा उम्र 16-17 साल का था जब पूजा जन्म ली थी तब। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हम लोग चाह रहे हैं, उसका उम्र हो जाएगा तब भी उसका शादी होगा। बच्चे में शादी हो जाता है ना, वो बीमारियों का शिकार बनते हैं, उनको बीमारी आगे बढ़ के जाते जाते, मतलब कि एक दो बच्चे हुआ उसके बाद बीमारियाँ पकड़ते चल जाता, कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए अब तो हम लोग सोचते हैं इतना पढ़े हैं तो हम लोग के भी मास्टर साहब पढ़ाए कि देखो कम उम्र में शादी करना गुनाह है बच्चों का, वही विचारधारा लेके हम लोग भी चल रहे हैं कि नहीं ये गलत बात है छोटे उम्र में शादी करने के लिए। खुद हमें महसूस हो रहा है कि छोटी उम्र में शादी हो गया तो हमें
कोई काम न काम किए कुछ नहीं, और पत्नी बच्चे को पीछे चल रहे हैं। अब हमारा तो अब शादी होता तो कुछ कर ले रहते, फिर बच्चे होता तो उसको बढ़िया से पालन पोषण होता। हम अपना पढ़ाई पूरा करके अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे तब हम अपना शादी करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि पूजा पढ़े, पढ़ने की इच्छा है।